अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल HTV न्यूज़ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दोबारा से पाकिस्तान में सीमेंट के ताज़ा तरीन और लेटेस्ट रेट अपडेट्स करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक या दो ब्रांड के नहीं बल्कि दर्जनों से ज़्यादा ब्रांड के पाकिस्तान में सीमेंट के ताज़ा तरीन रेट्स अपडेट्स करेंगे। दोस्तों आपको बताएंगे कौन सा ब्रांड पाकिस्तान में सस्ता हुआ और कौन से ब्रांड के रेट में पाकिस्तान में दोबारा इजाफा देखने को मिला। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में किस ब्रांड के रेट में कमी हुई और किस ब्रांड के रेट में इजाफा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली मैंने कल इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तफसील से बता दिया कि बजट से पहले पहले किस कंस्ट्रक्शन के रेट में कमी होगी, यानी बिल्डिंग मटेरियल की कौन सी आइटम है जिसके रेट में कमी देखने को मिलेगी, जिनमें मैंने खासकर सीमेंट और स्लैब में मुकम्मल तफसील से बात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा या दोस्तों आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले डेट्स जानते हैं, डिस्कस वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि यार वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में। और अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों रेट्स की जानिब बढ़ते हैं। रेट्स में सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट वे सीमेंट की। आपको बताएं कि 50 किलो का बैग 1130 से लेकर 1135 रुपये। अगर पाक सीमेंट की बात करें या आपको 1135 और 1140 रुपये। आपको बताएं बेस्ट वे और पाक सीमेंट दोनों एक ही ब्रांड है। डीजी खान सीमेंट की बात करें 1130 और 1135। अगर बात करें फौजी सीमेंट की ये 1115 और 1120 रुपये। लकी सीमेंट की बात करें 1115 और 1120। दोस्तों आपको बता दें ये रेट मैंने आपको अभी अपडेट्स किए हैं, इनमें रद्दो बदल आज या कल होने वाला है, जिसके बाद मैं आपको क्लियर बताऊंगा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिलहाल मैंने इसलिए आपको रेट्स अपडेट्स किए हैं जो अभी तक मार्केटों में, ये ज़्यादातर लोकल मार्केटों में आपको रेट्स मिलेंगे। बात करें चिराड़ सीमेंट की 1115 और 1120 रुपये। मैपली सीमेंट की बात करें 1130 और 1135। पावर सीमेंट की बात करें 1115 और 1120। असखारी सीमेंट की बात करें 1110 और 1115। पोनियर सीमेंट की बात करें 1120 और 1125। फेडोर सीमेंट की बात करें 1105 और 1110। अगर बात करें फाल्कन की 1110 और 1115। फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट की बात करें 1085 और 1190। दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता दूं, तकरीबन इन क्रेट में मामूली सा इजाफा हुआ, यानी 5 और 7-5-10 रुपये का इजाफा देखने को मिला कुछ ब्रांड के रेट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमेंट और सरी के रेट में कमी आनी है, लेकिन सरिया सस्ता हो चुका है, अब आ रही है पाकिस्तान में सीमेंट की। ये एक मरतबा सस्ता होगा, दोबारा ये सस्ता नहीं होगा। जिन्होंने बाइंग करनी है, यानी सॉरी जिन्होंने सरिया सीमेंट खरीदना है, वो बजट तक वेट कर लें। अगर बजट में सीमेंट कंपनीज पे टैक्स नहीं लगाया जाता तो आपने बजट के बाद सीमेंट बाई करना है, अगर लगाया जाता है तो कोशिश करनी है जल्दी से बाइंग करने की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में #HTVNews लिखें, आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।